जय श्री राम। कविवर ने कहा है, राम आपका चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि ही बन जाए सहज संभाव्य है। अब राम जी की महिमा तो राम ही जाने, किंतु उस महिमा का गुणगान सुन हम भी बहुत कुछ जान और समझ सकते हैं। मैं शिवी विजय भुटानी श्री राम जी का नाम लेकर आपके लिए प्रस्तुत करने वाली हूँ संपूर्ण रामायण। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जीवनी, उनका जीवन जो हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का आधार है, और ऐसे पुरुषों में उत्तम श्री राम जी का बखान महानतम कवि तुलसीदास जी से उत्तम और कौन कर पाया है। मैं श्री राम जी को प्रणाम करती हूँ और प्रारंभ करती हूँ प्रथम कांड बाल कांड। इस रामायण में 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, स्कंदा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांड में 84 प्रसंग हैं और लगभग 10,000 पंक्तियाँ जो दोहा सोरठा तथा मुख्यतः चौपाय में बटी हैं। तुलसीदास जी ने भक्ति के धागे में ज्ञान और कवित्व के अमूल्य दाने पिरोए हैं। इसे सुनकर आपको एक नया अनुभव और प्रेरणा मिलती है। जितनी बार सुने श्रद्धा उतनी गहरी होती जाती है। मैं शिवी विजय भुटानी प्रतिदिन 5 मिनट आपको रामायण सुनाऊंगी, जिसे आप अपने दैनिक दिनचर्या में भी सुन सकते हैं। श्रद्धा का कोई नियम नहीं होता भक्तों, इसलिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुनकर श्री रामायण जी का आनंद लीजिए। प्रथम कांड बाल कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बाल कांड। श्लोक वर्णाना अर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलाना च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों अर्थ समूह रसो छंदो और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम् याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थीरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र उपस्थित होता है। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कविश्वर कपीश्वर। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कविश्वर श्री वाल्मीकि जी की और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीं सीताम नतो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री राम जी जी की प्रियतम श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ। यन्माया वशवर्ती विश्वाखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् पादमशेव भाति सकलं रज्जो यथा हे ब्रह्मा यत्पाद अपल्लवमेकवेव हि ब्रह्मा बोधे स्थिति शिशार्वतं वंदेऽहं तमीश कारणं परम रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए
एकमात्र मौका है उन समस्त कारणों से पर राम कहानी वाली भगवान हरि की मैं वंदना करती हूँ। नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यदे रामायणे निगदीतम कश्चिदन्यतु अपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजूल मत नोति। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषाचर में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरीवर गहन जासु कपा सुदयाल द्रव सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हों। नील सरोर हो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमोर धाम सदा शीर सागर सयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा शीर सागर में शयन करते हैं वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करनायन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है और जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है वे कामदेव का मर्दन करने वाले मुझ पर कृपा करें। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि के रूप में है और जिनके वचन महामोह रूपी बने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंधु गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिये मुरि मै चूरन चारु समन सकल भव रोज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है वह अमर मूल का चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संगुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मकुर मल हरणी ये तिलक गुण गण बस करणी। वह रज सुकृति रूपी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। अपने मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सो सर प्रकाशु
बड़े भागुर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उघरई बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मनिक, गुप्त प्रकट जय जो जे ही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अज द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निदान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत ही खाने देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजर बिहारी। जो सबका मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले दशरथ जी के पुत्र श्री राम मुझ पर अपनी कृपा करें। बोले जय श्री राम।